अस्सलाम वालेकुम। नया दिन और एक नई डेस्टिनेशन के साथ मैं हूं शहाब और मैं हूं समीर और ये है लूस्टू। और लूस्टू यहां पे कैसे पहुंचा ये जानने के लिए देखें पूरी वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि लूस्टू के लिए हम लोग आए हैं और जो पहला प्रोसीजर है उसको साथ लेके जाना सऊदीया से रियाद से पाकिस्तान लाहौर वो है केज लेना। तो अब अंदर जाएंगे केज लेंगे और केज की जो सबसे बड़ा चैलेंज है समीर केज का चैलेंज ये है कि जो बिल्ली है वो केज तोड़ देती है। तो अगर उसने केज ना तोड़ा और हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर उसने ना तोड़ा तो वो जाएगी, अगर तोड़ दिया तो भाई सॉरी शहाब। और जो केज के मेजरमेंट्स हैं आपकी स्क्रीन में आ रहे होंगे कि कितना वो बड़ा होना चाहिए और मेजर करने के लिए हमने ये IKEA की टेप लेके आए। तो आए अंदर चलते हैं। तो मेजरमेंट्स वगैरह हमने कर ली हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो केज आपके सामने है ये इनफ होगा लेके जाने के लिए। और मेजरमेंट अगेन जो स्क्रीन में भी आ रही होंगी तो यही है 21x13x16 इंच। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सही है केज। बस चैलेंज यही है अगेन कि लूस्टू जो ये केज है ये ना तोड़े। केज हमने ले लिया है और केज जो है वो आया है 60 रियाल का और उसके अंदर बेल्ट भी है। समीर ज़रा फ्रंट से बेल्ट दिखाएं। ये भी लिया ताकि उसको थोड़ी वॉकिंग शॉपिंग कराएं। और बेल्ट आई है 20 की। लूस्टू को केज में डालने की ट्राई होने वाली है, देखते हैं क्या हो रहा होगा। Been so busy lately, out all these hours daily, been driving myself crazy, I've been losing myself each day, losing my rest each day, all these things I want for me, oh I've been caught in distractions, or lost in my passions, I don't know where this road will lead, God knows. फाइनली मिशन पॉसिबल हो चुका है। लूस्टू केज में बैठ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत हाइपर है। फाइनली लूस्टू को हम लोग ले आए हैं अबू की गाड़ी में केज में। और लूस्टू लूस्टू इधर ज़रा दीदार करा दो अपना, बहुत घबराया हुआ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अब काम है। और टिप यही दूंगा कि जब भी बिल्ली को लेके जाएं तो ढक दें। अस्सलाम वालेकुम लूस्टू, आपको कैसा लग रहा है घर में आके? हम घर आ गए हैं, आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो पागलो। आज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसकी वैक्सीनेशन होनी है और इसको चिप लगनी है। तो दुआ करें खैर खैरियत से हो जाए। अगर तो वीडियो आगे बनी इसका मतलब हो गया, नहीं बनी तो बस फिर। तो हम लोग लूस्टू के प्रोसीजर के लिए आ गए हैं, वैक्सीनेशन के लिए आ गए हैं। एक वैक्सीनेशन वो उनके पास नहीं थी वेट के पास, तो वो यहाँ से लिए इनकी शॉप से। बाहर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अजीज़िया में है। तो रियाद में अगर आप हैं तो इनके पास हैं। तो फाइनली लूस्टू को लेके जा रहे हैं हम। Somehow I've been losing myself each day, losing my rest each day, all these things I
ऐसे ही लगा देंगे केज। बस क्या वो डरा हुआ है जब आप देख रहे नहीं नहीं कोई नहीं इंशाल्लाह जो वैक्सीनेशन के प्रोसीजर्स थे वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आज जो लुस्टो को वैक्सीनेशन लगी है वो आपकी स्क्रीन में भी आ रही होगी। तो बेसिकली वो छोटी सी बोतल है और उसके अंदर ये 3 वैक्सीनेशंस होती हैं और वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हमने आना है तकरीबन अगेन 10-15 दिन बाद और अब हमने जो कराना है वो कराना होगा रेबीज़ की वैक्सीनेशन प्लस चिप। तो फिर हम लोगों ने ट्रैवल करना है और ये जो प्रोसीजर होगा जो हेल्थ सर्टिफिकेट का वो आपने अगेन 7 दिन के अंदर अंदर जो अपनी फ्लाइट से 7 दिन जब रह जाएंगे तब आपने ये हेल्थ सर्टिफिकेट लेना है। और ये पासपोर्ट है, पासपोर्ट में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। माशाल्लाह 2008 में पैदा हुआ था और मंथ हमें कंफर्म नहीं था तो इन्होंने फरवरी लिखा है ब्राउन और ये सारी चीज़ें। ब्रीड पता नहीं इन्होंने कौन सी लिखी है, मैं खुद नहीं पता। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। वेट, लस्टू का प्रोसीजर तो चलता रहेगा लेकिन पाकिस्तान जाकर कुछ खाना भी तो है। समीन क्या कर रही हो? काम कर रही हूं। मैं सोच रहा था बिरयानी ना हो जाए। शक्ल देखिए अपनी बिरयानी, जाओ यहाँ से। अच्छा यार दाल सब्जी कुछ सिंपल बना दो। नहीं बन सकता शाह, इतनी गर्मी है यार, कम ऑन। एक आइडिया है, अच्छा सुनो बिरयानी और ये चीज़ें नहीं बनाओ लेकिन चलो ये देखो चिकन समोसा। ये नहीं शाह प्लीज शाह। अच्छा अच्छा चपली कबाब। नहीं नहीं बन सकता कुछ भी। अच्छा यार लच्छेदार पराठा कुछ भी नहीं बन सकता, चुप करके ना यहाँ पे बैठ। अरे यार समीम कहाँ चले गई है, कब आएगी, कब खाना बनाएगी? लगता है इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा, वो भी कच्चा। चलो कुछ नहीं तो देख के गुजारा कर लेते हैं। तो देखा आपने कैसे शाह आपको मैंने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर खुशियारी के साथ एक ही वक्त में प्रोवाइड कर दिया। ये खुशियारी आई है डाइट 360 से। डाइट 360 ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ज़बरदस्त खाने देता है आपके घर में, वो भी सुबह सुबह के वक्त या जो वक्त भी आप चाहें, और हर चीज़ अवेलेबल है। शहाब प्लीज काम डाउन। और तो और कैलरीज वगैरह भी मेंशन है। कैलरीज भी मेंशन है और ये कैलरीज ज़बरदस्त किस्म के मेंशन है, जैसा कि कैलरी कार्ब एंड एवरीथिंग। तो आप खाने के साथ साथ वक्त पे खाना खा सकते हैं और कैलरी काउंट भी कर सकते हैं। ओनली हीरो ईट हेल्दी फूड लाइक मी। ओके एनी हाउ तो डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है, नीचे जाएं और डिस्काउंट कोड हासिल करें। और शहाब की तरह प्लीज बिहेव मत कीजिएगा। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट जो इसको वैक्सीनेशन लगी थी वो 3 वैक्सीनेशन लगी थी, अब जो वैक्सीनेशन है वो रेबीज की प्लस इसको चिप लगनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो प्रोसीजर रह जाएगा वो सिर्फ हेल्थ सर्टिफिकेट है जो हफ्ता पहले लेना होता है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। पकड़ो वही कर लेंगे।
भाई चैंपियन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई ने माइक्रोचिप भी और रेबीज की वैक्सीनेशन लगा दी है और ये लूस्टू जो है अब टून हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये लूस्टू का जो लास्ट प्रोसीजर था वो भी हो गया, रेबीज की वैक्सीनेशन और माइक्रोचिप। माइक्रोचिप आपने देखा कि वो इंजेक्शन के थ्रू लगती है, तो बाकी जो माइक्रोचिप है वो हम बांग्लादेशी भाई से पूछ रहे थे, उन्होंने माशाल्लाह बहुत हेल्प की है। वो यही कह रहे थे कि ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, बाकी एयरपोर्ट वाले ही बता सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता आपकी बिल्ली आउट ऑफ ट्रैक होती है। और अब बस हमने हफ्ते पहले आने हेल्थ सर्टिफिकेट लेने और फिर हमने जाने मिनिस्ट्री और फिर इंशाल्लाह लूस्टू रेडी टू गो है। तो आज का जो लूस्टू का प्रोसीजर है, आज इसकी इंशाल्लाह चिप चेक करवानी है और जो इसका डॉक्यूमेंट है हेल्थ सर्टिफिकेट वो भी चेक करेंगे कि कहाँ तक उसकी प्रोग्रेस हुई है, फिर इंशाल्लाह कल जाएंगे अब मिनिस्ट्री। तो चिप चेक करेंगे और इसको डी वार्मिंग करेंगे। और लूस्टू जो है फिर मस्ती में आया। लूस्टू ज़रा फैंस को बता दो। अरे बहुत मुश्किल है यारो सफ़र करना। तो लूस्टू का प्लीज अगेन समझ लें आप अच्छे से कि जो प्रोसीजर है आज हम उसकी जो चिप है वो चेक कराएंगे और उसके बाद डी वार्मिंग करेंगे। डी वार्मिंग में बेसिकली होता है कि इसको कोई कीड़े वगैरह ना लड़ जाए, तो इसलिए होती है। और इसके अलावा उसकी और कुछ चीज़ें लेनी है जो शेयर करूँगा मैं आपके साथ। तो फ़िलहाल का तो ये प्रोसीजर है। और ये वो शॉप है जहाँ पे हम आते हैं, ये अजीज़िया एनिमल हराज है, वहाँ पे ये शॉप है, एक ही ये शॉप है वेट की, तो यहाँ पे बहुत रश भी रहता है। I'm never satisfied, always wanting to be. No mountain of gold can feed my soul. I get, I just want more. I reach my goal, see another three. I'm never satisfied, always wanting to be. No mountain of gold can feed my soul. और ये जो है इसको डीवॉर्मिंग होने लगी है, ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, इमरान खान ने कहा घबराना नहीं है। ये किस लिए होता है भाई? किस लिए होता है ये? अच्छा, ये कीड़े वगैरह के लिए होता है और ये बिल्ली का ऑपरेशन भी हो रहा है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, उसने खा लिया दवाई। ये इंजेक्शन भी एक लगा रहे हैं विटामिन का। तो आज के जो प्रोसीजर में सबसे पहले हम लूस्टू को वेट के पास लेके गए, उसने चिप चेक की कि चिप चल रही है कि नहीं, उसके बाद डी वार्मिंग की, मतलब एक टेबलेट खिलाई और एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन उसने कहा था बस यानी विटामिन का, और इसके अलावा उसने हमें यह भी कहा था कि आप ना केज के ऊपर एक शीट ले लें, उससे बिल्ली डरेगी नहीं। तो बाकी हमने जुगाड़बाजी कर ली है, एक चादर ले ली है घर से, और केज को हमने इतना प्रोटेक्टेड नहीं किया। अगर आपकी बिल्ली बहुत हाइपर है, हमारी बिल्ली है हाइपर लेकिन वो केज नहीं तोड़ती, तो आई थिंक इंशाल्लाह उसकी ज़रूरत नहीं है। केज बिल्ली नहीं तोड़ती इतनी आसानी से, क्योंकि वो लोहे का, मतलब दरवाज़ा जो होता है ना वो लोहे का होता है। और जो सबसे मेन चीज़ थी वो थी हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है उसमें मेक श्योर कि आपकी जो सही इन्फॉर्मेशन हो, जो पासपोर्ट या आईडी में है, इकामे में है, वही होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब हमने जाना है मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री हम जाएंगे कल, लेकिन आप जाएंगे अगले सीन में या कुछ सीन के बाद। आज जो लूस्टू का प्रोसीजर होने वाला है वो है लूस्टू को लेके जाना है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। लास्ट सीन में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो हेल्थ सर्टिफिकेट डॉक्टर से लेना होता है वेट से वो ले लिया था, और अब हम वो लेके उसकी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स लेके जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और वो बेसिकली हमें पेपर देंगे जो कि आप कह सकते हैं बिल्ली का पासपोर्ट होगा। और बिल्ली आप भी कुछ कह दो। God knows.
time and trying. God knows. तो अब जो है वो डॉक्टर्स को चेक करेंगे और इंशाल्लाह इसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं बन जाएंगे। God knows, I'm trying. God knows. इंटरनेट की वेलोसिटी का चेक कर रहे हैं। चिप वगैरह चेक कर रहे हैं इसकी। तो वो जो पिछली बिल्डिंग थी उधर से हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं जो कि हेल्थ सर्टिफिकेट उन्होंने भी दिए और ये एक्सपोर्ट पेपर है कि हम यानी फ्लूस्टो जो ट्रैवल कर सकते हैं। आगे अब इसमें स्टैम्प लगेगी तो स्टैम्प करने के लिए हम एक और बिल्डिंग में आए हैं। तो जो उन्होंने पेपर्स दिए थे, एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट दिया उन्होंने और परमिट दिया, यानी आप इसको पासपोर्ट भी कह सकते हैं, ट्रैवल परमिट है, उसमें स्टैम्प्स लग गई हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि ये तो है भाई एग्जिट का, लेकिन अगर आपने बिल्ली को फिर लाना है तो आप ना इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, और वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से। वो बड़ा ईजी प्रोसीजर है और फिर वापस लेके आ सकते हैं बिल्ली को। लोस्टो उधर उधर बैठा है तो उम्मीद है अब प्रोसीजर हो गया। अब लोस्टो को देखते हैं क्या कर रहे हो। और अब हम लोग आ गए हैं और लोस्टो ये बैठा हुआ है। हाँ लोस्टो, ठीक हो? हाँ हाँ, बस जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी, तो अब हम जा रहे हैं। आज जो मैं हूँ अकेला आया हूँ एयरपोर्ट, लोस्टो के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अब इनसे पूछना है कि आगे का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि डाउट है हमें कि शायद वो या तो हमारे साथ ही जाए हमारे हाथ में, या हो सकता है उसी जहाज़ में नीचे सामान जहाँ होता है वहाँ जाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आगे आप देखते हैं। तो एयरपोर्ट से भी आ चुका हूँ और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है ये कि उन्होंने कहा है कि आप आराम से 6 घंटे पहले अपने फ्लाइट से आ जाओ बिल्ली को लेके, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ से बकौल उनके वो कहते हैं कोई क्वारंटीन का पेपर नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और मज़ीद जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पहले देख चुके हैं वीडियोस में, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे लोस्टो के लिए, अगेन उसमें इसकी अपनी हिस्ट्री है जो वेट देता है, बुक देता है, जिसको बिल्ली का पासपोर्ट आप कह सकते हैं। फिर दो जो हमें डॉक्यूमेंट मिले थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, एक तो ट्रैवल परमिट, एक हेल्थ ऑफ सर्टिफिकेट, बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो कह रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए, बाकी प्रोसीजर होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमें एक एनिमल क्वारंटीन का पेपर चाहिए होगा जो कि हमें पाकिस्तान से ही मिलेगा, और उसका हल ये है कि आप पाकिस्तान क्वारंटीन लाहौर या जहां भी आपने जाना है वो जगह लिखें, वहां पे नंबर होंगे, उनसे पहले कांटेक्ट कर लें, और अगर वो आपको व्हाट्सएप में दे दें, आप अपने पास व्हाट्सएप में रख लें या उनसे रابطہ कर लें, उनका बंदा आएगा और वो आपको उसी टाइम क्वारंटीन पेपर बना देगा आपके पेट का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक चीज़ यहाँ पे हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान जाने के लिए पहले एक हफ्ता पहले PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, अब ज़रूरत है, तो भाई लगेंगे और पैसे। और हाँ, लोस्टो के जो पैसे लगेंगे वो भी मैंने कन्फर्म कर लिया, वो लगेंगे उसके 500। तो वो कंसीडर तो लगेज ही किया जाता है, मैंने हालांकि मैं उसको कह रहा था मेरे पास 7 kg के लगेज की गुंजाइश है, बट आई एम नॉट टेकिंग, बट स्टिल वो कह रहा नहीं, इसका डिफरेंट होगा एनिमल का, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जो भी डॉक्यूमेंट्स थे लोस्टो के, उस सब की मैंने एक एक कॉपी ले ली है, सब डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी मैंने निकाल ली है, बल्कि ज़्यादा निकाली हैं, दो रख ली हैं। तो ओरिजिनल पेपर भी हैं और साथ में उसकी दो कॉपीज़ भी हैं, जस्ट इन केस कोई मांग लेते हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो उसकी बुक है, ठीक है, जिसको पासपोर्ट भी कहते हैं कुछ लोग,
और उसके बाद जो दो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, ये तीन डॉक्यूमेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो वेट की तरफ से आपको डॉक्यूमेंट मिलता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिखाने के लिए कि आपकी बिल्ली बिल्कुल ठीक है, वो आप वेट से ले। तो आज हम लोग आए हैं, ये डेल्टा लेबोरेटरी है, अपना PCR टेस्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले और सऊदी एयरलाइंस ने बोला कि आपको पाकिस्तान जाने के लिए, सऊदीया से पाकिस्तान जाने के लिए PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उनकी नई अपडेट्स आई हैं तो PCR टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी ये बात है कि जैसे आपने देखा होगा हमारी दुबई जो हमारी सीरीज़ थी उसमें हमने जैसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया था, वैसे सेम हमने पाकिस्तान का भी साइन करना है और 14 डेज क्वारंटीन करना है। बाकी इंशाल्लाह और मालूमात एयरपोर्ट में भी आपको साथ साथ में देता रहूँगा। तो आज हम लोग आए हैं तकसूसी में जो कि डेल्टा लेबोरेटरी है और सबसे मुनासिब रेट है इनके 222 रियाल ओनली कंपेयर टू अदर्स, जबकि बाकियों के 650, 450, 350 होते हैं। तो ये बेस्ट है और रिज़ल्ट भी है जो 24 घंटों में मिल जाता है आपको। अगर आपको भी पाकिस्तान जाना है, अब PCR टेस्ट लाजिम कर दिया गया, तो जैसा कि आप भी पाकिस्तान जाते हैं और आपको टेस्ट कराना है तो डेल्टा लेबोरेटरीज बेस्ट। तो भाई शाह आपका आने लगा टेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगेन फ्रॉम द नोज। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोविड टेस्ट हमारा हो गया, वही दुबई वाला एक्सपीरियंस था। बस यही है, मैंने आपको बताया इतनी दफ़ा कि आप ना कॉटन बड होते ना कान वाली, नाक में डाल के लाया करें, मजाक कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया टेस्ट, अब इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली मुलाकात होगी आपसे एयरपोर्ट। ये है लस्टू ने सबसे पहले तो पूरा घर गंदा कर दिया, हर चीज के नीचे घुसी जा रहा है, खुद भी बिल्कुल बिल्ली गली की लगने लग गई है के भागे भागे। तो अब हम लोग बस एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे थे और लस्टू ने तमाशा शुरू कर दिया। लस्टू कभी इधर भाग रहा है कभी उधर, अब केज में डालते हैं, आए पूरा प्रोसीजर देखें। चलो चलो लस्टू, जल्दी कर, देर हो रही है फ्लाइट में फिर ना। ये पकड़ा गया है आखिरकार बिल्ली हमारी और जाएगी सीधा पिंजरे में। लस्टू इज इन द केज, सीधा उसको इस बार हमने आगे मुंह से घुसा दिया। वेल ट्रेन्ड हो गया शहाब। इधर देखो बस हमने आ जाना जल्दी, माऊ माऊ नहीं, जल्दी आ जाना हमने, ठीक है पाकिस्तान जाने। उधर बाय द वे गाइस, इसको पंजाबी और उर्दू पूरी समझ आती है। दोस्तों इधर देखो, हमने ना उधर बस थोड़ी देर में पहुंच जाना, ठीक है बदतमीजी नहीं करनी। तो रश तो बहुत ज़्यादा है और ये रहा शहाब लस्टू के साथ जाता हुआ। तो लस्टू की वजह से जल्दी जल्दी में हम भूल गए PCR टेस्ट को प्रिंट कराना और ये शॉप है यहाँ से हमने कराया है प्रिंट। प्राइस जो है ज़्यादा है 10 रियाल में एक प्रिंट, सो रियली एक्सपेंसिव, पर लेकिन क्या करें। तो अभी जो है हमने लस्टू को बोर्डिंग में जो है अपना सामान वगैरह बोर्डिंग में रखा दिया है और लस्टू के एक्स्ट्रा बैगेज की तरह से पैसे लेने हैं 490 सऊदी रियाल्स। लस्टू फुल टाइम एंजॉय कर रहा है चादर के बगैर। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं और लस्टू का प्रोसीजर से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जैसे आपने पहले भी देखा कि अब पाकिस्तान फ्लाइट्स, अगर आप सऊदीया से रियाद से लाहौर जा रहे हैं तो आपको PCR टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमने भी करवाया लेकिन हमसे एक गलती हो गई कि हमने बिल्कुल एंड टाइम पे कराया। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले करा लें, दो दिन पहले करा लें। तो हमें बस प्रिंट नहीं था, तो प्रिंट के लिए हमने यहाँ से प्रिंट करवाया एयरपोर्ट से, हमें एक पेपर 10 रियाल का प्रिंट हुआ, वही बाहर से आप 1 रियाल का करा सकते हैं। एनीवेज अब लस्टू के प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर सिंपल था। सबसे पहले आपने जैसे बैगेज को आप बुक कराते हैं, बुक करा के उसके बाद हम एक्स्ट्रा बैगेज लस्टू एज एक्स्ट्रा बैगेज किया, उसके हमने पे किया टू बी एग्जैक्ट 490 रियाल, 490। ये पे करने के बाद ये हमने नीचे गए थे पे करने और फिर वापस ऊपर आए डिपार्चर में, और फिर डिपार्चर में उन्होंने एक पेपर दी, रसीद दी कि ये आपने क्लियर कर दिया। उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना एग्ज़िट लगा के इधर आ गए हैं टर्मिनल के सामने।
और स्कैन जो है लूस्टू का, वो मुझे कह रहे थे कि आप जो हो अपनी बिल्ली को केज से निकालो, लेकिन मैंने नहीं निकाला। मैंने उनको बताया मेरी बिल्ली हाइपर हो जाती है, तो उन्होंने बोला ओके ठीक है इट्स ओके, तो उन्होंने लेट इट गो किया। तो थोड़ी सी बार्गेन करें और ओवरऑल प्रोसीजर सिंपल है। तो जैसा कि शहाब ने आपको गाइड किया है PCR टेस्ट का, तो मैं आपको बताती हूँ पास ट्रैक एप्लीकेशन है पाकिस्तान की, वो मस्ट है डाउनलोड होना, और उसमें नेगेटिव टेस्ट भी अपलोड होना मस्ट है, उसमें पासपोर्ट भी अपलोड होना मस्ट है, और आपकी रेगुलर इन्फॉर्मेशन जैसा कि एड्रेस वगैरह, एंड दे विल बी ट्रैकिंग यू फर्दर ऑन। तो माशाल्लाह सिस्टम ओवरऑल बहुत अच्छा है, और अब हम लोग जा रहे हैं जहाज़ में, तो फिर मुलाकात होती है जहाज़ में। और कुछ ट्रैवल टिप्स पेट के साथ मैं आपको यही दूंगा कि खाना जो है बिल्ली को आप खिला सकते हैं जैसे आप ट्रैवल करते हैं, यानी आप कोशिश करते हैं घंटा पहले आपने ट्रैवल ट्रैवल करने से पहले कुछ खाना नहीं है वैसे बिल्ली को ना खिलाएं, वैसे बाकी जो उसने खाना है खिलाएं। तो यहाँ भी उसका खाना मैंने रखा हुआ है, और ये साथ में इसके इधर से खुलता है, और फिर ये आप देख सकेंगे लूस्टू को, यहाँ से आप खाना दे सकते हैं। तो इतना सिंपल है। लस्टू, और लस्टू को हम लोग कर रहे हैं प्यार। लस्टू रो रहा है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन इसको पता नहीं है ना किसके लिए ये बेहतर है। लस्टू 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 सबको मिस भी कर रहा है। और जब भी आपने फ्लाइट पे जाना है किसी पेट एनिमल के साथ, तो उसको जो है खाना वो आपने तकरीबन 2 घंटे पहले देना है, उसके बाद आपने उसका खाना जो है वो बंद कर देना, ताकि फिर बिल्ली जो है इंसानों के जैसे होता है वॉमिटिंग वगैरह ना आए उसे। और अभी लस्टू फुल स्लीपिंग मोड में जा चुका है। Can you do me a favor because how I can keep her? Yeah. You know what? We pay extra 500 riyals for the cat. So I need the seat. Recording for the cat? Yes. You must welcome first of all. Assalamu alaikum. Assalam. Welcome on board. 41 together. Can you give me a seat? Maybe front where I can keep the cat. In the beginning you have to sit in your science seat, later I will, you can. But help. Right now, how near I will keep? Keep it in your lap, because the aisle do not get broke, then later I will help. In the beginning, just sit for a while. Where is your bag, trolley bag? You don't have? No, we don't have. So easy to change your seat later. Sure. Now sit in the, you sit in the middle, you sit next to him. Later I will try my best to give you 3 seats. You know, she's really kind. I know. And we have vlogger as well, so give us some, you know. I will try my best. Thank you. जहाज में हम लोग बैठ चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमें कोई कुछ भी नहीं फॉलो हो रहा है, और हमें कोई जगह नहीं मिली अभी लूस्टू के रखने के लिए। तो कह रहे हैं कि जैसे जहाज़ फुल होगा तो कोई जगह देंगे हमें। तो बहरहाल इंटरनेशनल फ्लाइट है, आपको पता है डिस्टेंस नहीं रखते और रश बहुत ज़्यादा है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमें सीट ही नहीं मिल रही थी, यानी कि हम दोनों की तो सीट थी, लस्टू को गोदी में रखा हुआ था। तो अभी जहाज़ नहीं चला, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरह हमें सीट अरेंज कर दी है। लस्टू की वजह से भी 3 सीट मिल गई हैं,
और आराम से सफ़र होगा इंशाल्लाह। और अभी जो है कम्प्लीमेंट्री मास्क है इसके अंदर और सैनिटाइज़र है और वेट टिश्यू है, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पैकेज इन्होंने बना के दिया है। और ये जो हेडफोन्स होते हैं इस स्क्रीन के लिए, ये इन्होंने कर दिए हैं कम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये आप घर भी लेके जा सकते हैं आप, तो इट इज़ रियली रियली नाइस। और अच्छा है कि सहूलत ज़्यादा हो गई है कोविड की वजह से। इस पैकेज में से बहुत ही खूबसूरत मास्क निकला है, यानी बहुत प्यारा है ये, और साथ में है लाइफ बॉय के वेट वाइप्स और सैनिटाइज़र भी, तो भाई रियली गुड माशाल्लाह। लूस्टू इधर बीच में बैठा हुआ है समीन के साथ और उसको चादर दी हुई है, तो आई गेस वो सो रहा है अगर आप देख सकते हो। सफ़र तो होते रहते हैं लेकिन लैंडिंग और टेक ऑफ उनका मज़ा नहीं जाना चाहिए, तो एंजॉय करें लैंडिंग और टेक ऑफ फ्रॉम सोदिया टू पाकिस्तान। तो जहाज़ जो है वो बहुत ही बड़ा जहाज़ है, मतलब इतने बड़े जहाज़ में हम शायद ही बैठे। और दूसरी ये बात है कि काफ़ी खुला है जहाज़, सीट वगैरह। और लूस्टू का भी बताते हैं लूस्टू कैसे बैठा है। लूस्टू सही बैठा है लेकिन जब टेक ऑफ हुआ है तो फिर लूस्टू जो है वो रो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है लूस्टू। और नेक्स्ट अब आपको ना स्क्रीन दिखाते हैं, स्क्रीन का रिव्यू भी देते हैं। माशाल्लाह स्क्रीन बहुत अच्छी है, एक तो स्क्रीन का व्यू अच्छा है और साथ में रिमोट भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा है। पीछे को जो है कीबोर्ड है और जॉयस्टिक है, आगे को बटन्स हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। और दिखने के लिए कार्टून्स हैं, मूवीज़ हैं, हॉलीवुड मूवीज़ हैं और गेम्स हैं और तरह तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशंस वगैरह भी हैं और इस्लामिक लेक्चर्स बहुत भरपूर हैं, तो ओवरऑल वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो हमें ये डिक्लेरेशन फॉर्म मिले जैसे दुबई में मिले थे और वापस सऊदी आते वक्त भी मिले थे, तो इसमें सिंपली यही लिखा हुआ है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन और एड्रेस वगैरह डालें, प्लस ये भी मेंशन है कि लास्ट 14 डेज आपने कहाँ पे किस कंट्रीज़ में गुजारे, और कभी किसी लास्ट 14 डेज में कोई ऐसा शख्स तो नहीं था जिसको कोविड-19 था और आप उसके आसपास थे, तो ये बस इंफॉर्मेशन है। तो दैट्स इट, इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं है डिक्लेरेशन फॉर्म। लेकिन तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो था वो बहुत ही लजीज था, मैंने मंगाया था चावल से सब्जियों वाले और साथ में था पनीर, पनीर का सालन, तो पनीर बहुत मज़ेदार था, लग रहा था चिकन है। और शहाब ने मंगाया था कब्सा का और साथ में फ़िश थी। ओवरऑल फूड इज़ वेरी लवली, क्वालिटी इज़ हाईली इम्प्रूव्ड। और इसके अलावा छोटे छोटे से खुबस थे जो कि बहुत ही क्यूट थे और गुड थे, यानी कि ब्राउन थे, ब्राउन थे, इस वजह से वो बहुत मज़े के थे और छोटे छोटे से थे, बहुत क्यूट है। और साथ में केक, जो केक है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और रिच है, जो कि एक अच्छी बात है, और मतलब आपको एक मीठा भी आपका एक बढ़ जाता है ना मिल्क के बाद, सो इट्स वेरी लवली माशाल्लाह। और तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल रहा है। शुरू में जब हम आए तो हमें सीट अच्छी नहीं मिली, लेकिन चंद ही लम्हों में उन्होंने हमें इतनी अच्छी सीट दी और ओवरऑल बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। नाउ देखते हैं लैंडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान और यहाँ पर जहाज़ को रोका गया है। जहाज़ का जो साइज़ है माशाल्लाह वो काफ़ी ह्यूज है, बल्कि ट्रेमेंडस है, और उसके लिए जो के गाड़ियाँ वगैरह हैं वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जैसा कि ये सामने आप देख सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं लाहौर में, लेकिन SOP इसका ख्याल रखा जा रहा है और लाइन बाय लाइन लोगों को निकाला जा रहा है जहाज से, विच इज़ गुड। और कह रहे हैं कि अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो भाई सऊदी एयरलाइंस वाले पुलिस भेज देंगे। तो पाकिस्तानी है खैर नहीं, खैर अल्हम्दुलिल्लाह लोग ख्याल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड।
तो हम लोग आ गए हैं भाई लाहौर एयरपोर्ट में, और आते साथ ही लाहौर एयरपोर्ट में बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया हुआ है, SOPs का ख्याल किया जा रहा है, और उन्होंने डायरेक्टली हमें एक जगह भेज दिया जहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट का नाम है ज़मीन एंटीजन टेस्ट। तो ये कुछ उन्होंने दिया है नाक में, वही एक चीज़ डाल के उसमें उन्होंने टेस्ट दिया है। अब आगे देखते हैं इसका क्या होना है, लेकिन अभी हम लोग आए हैं बैगेज कंट्रोल में बैगेज क्लेम करने, और फिर आगे हम आपको लूस्टो का प्रोसीजर बताते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर आ गए हैं, लूस्टो भी आ गया है। तो आगे जो प्रोसीजर हुआ था वो उन्होंने टेस्ट तो इतना कोई ख़ास चेक नहीं किया, उसके बाद इसका 2000 जो एनुअल क्वारंटीन पेपर बनता है वो बनवाया मैंने। वो आप ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके डॉक्टर मकबूल है उनसे बनवा सकते हैं। उसके बाद कस्टम वाले आपको तंग करते हैं, लेकिन उनको आपने कुछ नहीं देना, वो बस आपको तंग ही करते हैं, तो आप समझ गए। और उनसे पेपर्स भी बचाने हैं। हाँ, और उनसे अपने पेपर भी बचाइएगा, तो वो पेपर रख लेते हैं, अपने पासपोर्ट रख लेते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो प्रोसीजर जो है वो आगे समीन मेरे ख्याल से कुछ बताना चाहती हैं। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, ज़ुबान चलती है यहाँ पे, और जो दूसरी चीज़ चलती है वो है हाथ। उन्होंने ट्रिक्की से ना शहाब का पासपोर्ट ले लिया, और फिर मुझे समझ आ गई कि क्या होने वाला है। मैंने चुप करके ना उसका पासपोर्ट छुपा लिया अपने पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल आए वहाँ से, जैसे ही मैंने अपना पासपोर्ट उनसे ले लिया उनकी पावर ज़ीरो हो गई। तो ये उनकी वैल्यू है, मैं आपको बताना चाहती हूँ।